इलियास मेरे मामू का बेटा है। तकरीबन 12 बरस पहले हम दोनों की शादी हुई। इलियास एक सरकारी महकमे में UDC क्लर्क था। तनख्वाह के अलावा इससे ऊपर की आमदनी भी बहुत होती थी। वो दफ्तर से घर आने के बाद शाम ढले ही बाहर अपने दोस्तों के पास चला जाता और रात गए वापस आता। उसके पास से मुझे अजीब सी बदबू आने लगी थी। बाद में मुझे पता चला कि वो नशे का आदी हो चुका था। पियो ना पियो। ختم ہونے سے مزہ ہی کرکرا ہو گیا ہے۔ ابھی سرور میں آنے لگا تھا کہ ختم ہو گئی۔ الیاس، میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا جاوید کے گھر پانی ختم ہو جاتا ہے۔ ابے تم لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ گھر میں ایک بوتل اور رکھیے یار۔ ابے گھر میں کیا کر رہی ہے وہ؟ अबे घर में क्या अंडे दे रही है? जावेद चल दोनों बाइक पे घर चलते और लेके आती ठीक है? चल तू बैठ जरा, हम लोग आते। चल उठ। हो गई है यार, कितनी खतरनाक जगह ये। अबे खतरनाक नहीं है, रोमांटिक रोमांटिक जगह है ये। सुनो कितनी खामोशी है। रात की हवा की आवाज कितनी साफ सुनाई दे रही। जल्दी से इसे ठीक कर यार। तूने कुछ सुना? नहीं यार। ये कैसे हो सकता? तुझे चढ़ गई है यार। चल यार जल्दी से यहां से निकलना, निकल गाड़ी स्टार्ट कर, छोड़ना चलना यार, जल्दी स्टार्ट कर। पलक तो लगा यार। Right.
मुझे टेंशन नहीं है। अरे क्या हुआ यार, बाइक क्यों रोकी यहाँ पर यार? रात के इस वक्त इस वीरान जगह पे खूबसूरत लड़की का होना, जावेद क्या मतलब है इसका? खूबसूरत लड़की इधर है यार। कितनी हसीन लड़की है यार। कैसी लड़की, कौन सी लड़की यार? बाइक स्टार्ट कर यार, चल। अरे डर गया तू? तो यार हम दोनों मर जाएंगे, निकाल गाड़ी निकल। तू खुद तो मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। चल यार, चल यार बाइक स्टार्ट कर यार, कोई भी नहीं है। चल स्टार्ट कर यार। चल चल यार। सुबह को जब मैं जागी तो मेरी हैरत की कोई हद न रही। इलियास अभी तक जाग रहा था। मैंने उसे फजर की नमाज पढ़ने को कहा तो वो टाल गया। कुछ देर के बाद वो नहा धोकर दफ्तर जाने के लिए तैयार हुआ। नाश्ते के दौरान मैंने उसे दफ्तर से छुट्टी का मशवरा दिया तो इलियास बुरा मान गया और नाश्ता आधा छोड़कर चला गया। बहुत अरसे बाद जब उसने मुझे ये सारे वाकयात सुनाए तो उसने बताया कि वो रात भर उस लड़की के बारे में सोचता रहा था। शाम ढलते इलियास घर वापस आया तो वो बहुत जल्दी में था। उसने मुझे कपड़े निकालने के लिए कहा। मैंने फौरन कपड़े निकाल लिए। जब वो बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था तो मैंने उससे पूछा, क्या कोई ख़ास काम है इस वक्त? इलियास अजीब तरह मुस्कुराया और उसने जवाब दिया, बहुत खास, उस शाम वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। कुछ नहीं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर डरना ही था तो यहाँ आए क्यों थे? हाँ नहीं नहीं मैं लड़कियों से नहीं डरता। मेरे साथ दोस्ती करोगे? क्यों नहीं। क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं। तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? मेरा नाम शैला है। ओ, शैला, मुझे इलियास कहते हैं। आगे चल के बातें करते हैं, यहाँ कोई ना कोई आ जाएगा।
ओके हाँ हाँ जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे, लेकिन कल तुम भाग क्यों गए थे? आखिर क्या बात थी? अरे मैं थोड़ा ही भागा था, मेरा दोस्त है ना बहुत डरपोक है, वो कहता है कि इस कब्रिस्तान में कोई चुड़ैल रहती है। बकवास करता है वो, मैं कब्रिस्तान के उस तरफ अपने चचा के साथ रहती हूँ, मेरे माँ बाप मर चुके हैं, चचा मुझे घर में बंद रखता है, जब सब रात में सो जाते हैं तो अपने चुपके से निकल आते। खैर मुझे तुम पे एतबार। तुम्हें यहाँ आते हुए डर तो नहीं लगता ना? तुम्हारे प्यार ने मेरे सारे डर और खौफ खत्म कर दिए। अब तो दिन की रोशनी की बजाय रात का अंधेरा अच्छा। मुझे भी दिन भर सोती हूँ और बेचैनी से रात का इंतजार करती हूँ। अब क्या हमें दिन की रोशनी में नहीं मिलना चाहिए, क्या ख्याल? जब तक तुम मेरे बारे में कोई फैसला नहीं कर लेते मैं तुमसे दिन के वक्त नहीं मिल सकती। फैसला? अब कैसा फैसला? अगर तुम मुझसे वाकई प्यार करते हो तो फिर मेरे साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करना होगा। हमें मिले हुए पूरा एक महीना हो गया, 30 रातें हमने बातें करके गुजार दी। क्या तुम्हारा दिल भर गया जो दिन गिन रहे हो? अल्लाह ना करे, मैं तो हर वक्त तुम्हारे ख्याल में रहता हूँ, तुम्हें दूर ले जाना चाहता हूँ। तो फिर मुझसे शादी कर लो। शैला तुम्हें पता है कि मेरी शादी हुई हुई है और मेरा एक बच्चा भी है। मुझे कोई एतराज नहीं। और तुम्हारे चाचा को? चाचा को क्या मालूम मैं रात में कहाँ जाती हूँ, और वैसे भी वो खूब गहरी नींद सोता है। ठीक है, तो मैं अपने दोस्त को कहता हूँ कि वो मेरे और तुम्हारे इकट्ठे रहने का कोई इंतजाम करें। खबरदार, जो तुमने किसी भी दोस्त को मेरे बारे में कुछ बताया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी बीवी। तो फिर ठीक है, अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती, बस कल मुझे यहां से ले चलो। ओके।
क्या हुआ परवीन, तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो। मैं इलियास की वजह से बहुत परेशान हो गई। क्यों, इलियास को क्या हुआ? समझ में नहीं आता अम्मी, पहले वो कभी कभार घर से बाहर रहते थे, अभी उनका रोज का मामला हो गया। सच पूछो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, ये अचानक इलियास को क्या हो गया आखिर? असल में अम्मी वो नशे के आदी हो गए, जब भी तो सारा सारा दिन सोते रहते और शाम होते कैदी की तरह घर से बाहर। अब तो वो रोजाना दफ्तर से भी छुट्टी करने लगा है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं उसको समझाऊंगी, उससे बात करूंगी। बेटा खेल रहे हो? चाहिए। बेटा देखो मुझे भी बहुत जल्दी है, हम कल ले लें, ठीक है? मुझे भी चाहिए। तुम्हें एक बार समझ नहीं आती, मैंने कहा ना कि मुझे जरूरी काम है, कल ले लेंगे, चलो अभी जाओ। इलियास बच्चा ठीक कह रहा है, तुम रोज आना इससे वादा करके जाते हो और रात के गए गए सुबह वापस आते हो। अम्मी आज की रात आखिरी, आज से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं, प्रॉमिस। क्यों, आज क्या होने वाला है? आज आपकी दूसरी बहू को लेने जा रहा हूं, शैला नाम है उसका। हर वक्त मजाक, हर वक्त मजाक, चल जा। आप इसको देखें, मैं जरा चलता हूं। आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ, शाबाश, दादू का बच्चा है ना। सारे गवाह हैं ना हमारे आसपास, मगर वो भी गहरी नींद सो रहे हैं। अगर उस दिन मुझे ज़रा सा भी मालूम होता कि इलियास किस मेहमान को घर में लाने वाला है तो शायद मैं उसे रोक देती, मगर उन दिनों इलियास कुछ पुरसरार सा हो गया था और मुझे भी उससे खौफ आने लगा था, बच्चे तो उसके करीब ही नहीं जाते थे। अब मुझे लगता है उन दिनों इलियास पर तो कोई नशा चढ़ा हुआ था, वो अजीब सी हवाओं में रहने लगा था, वो अपनी माँ और मुझसे बहुत दूर जा चुका था, इतनी दूर शायद इसे करीब लाने की मेरी हर कोशिश साया हो जाती, उस पर तो कोई जादू हो गया था, वो अब मेरा इलियास नहीं रहा था। जी तो जनाब ये है आपका कमरा और आज से तुम इसमें रहो। अच्छा तुमने अपनी माँ और बीवी को मेरे बारे में बताया? अब काफी अरसा पहले बता चुका होता अगर तुमने मुझे मना नहीं किया। तुम कितने अच्छे हो, मेरी हर बात मानते हो। शैला तुम्हें पाकर मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन आदमी। तुम ऐसे करो, तुम यहाँ पे बैठो, मैं आता हूँ अभी। ओके बैठो।
वो अब मेरे नहीं रहे अम्मी, इलियास किसी और के हो गए। मैं तो समझ रही थी कि वो मजाक कर रहा है, और मुझे क्या खबर थी कि वो हकीकत में दूसरी शादी कर लाएगा। अब क्या होगा, वो तो उसे घर भी ले आए। अरे बेशक ले आए, मेरी बहू सिर्फ तुम ही रहोगी, वो चुड़ैल मेरी कुछ नहीं लगती। अम्मी जान, आपको मेरी बीवी की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं, और वैसे भी वो मेरे और आपके साथ इस घर में रहेगी। पहले मुझे ये बता, तू उसको उठा के कहाँ से लाया है? इतनी अच्छी बीवी के होते हुए तेरे दिल में ये बेहुदा ख्याल कैसे आया? अरे मेरे बच्चे, मुझे बता, तेरा इतना प्यारा इतना मासूम बच्चा है, उसका भी तुझे कोई ख्याल नहीं आया? अब अम्मी जान, वो बहुत अच्छी है, वो सबका ख्याल रखेगी। इलियास, आज के बाद आपके और मेरे वास्ते जुदा जुदा। कैसी बातें कर रही हो तुम परवीन, एक दफा उसे मिल तो लो तुम। मैं उस चुड़ैल से नहीं मिलना चाहती। सलाम अम्मी जान, और मेरी तुम खुद आ गई, मैं इन लोगों को लेके अंदर ही आ रहा था। लगता है इन लोगों को मेरे आने से खुशी नहीं हुई। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ। हम नाना के घर चलते। अगर तू खुद आज रात यहाँ से ना चली जाती तो ये रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात होती। जिस जुबान से तुम मेरे खिलाफ बोली थी ना, थोड़ी देर में वो जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। आज से उसके लिए सिर्फ मैं ही मैं रहूंगी। मुझे पहली नजर में ही तुम पर शक हो गया। मुझे मेरी सास की मौत की खबर इलियास के ज़रिए से मिली। वो मुझे लेने मेरे घर आया था, लेकिन मेरे वालदैन ने उसे जवाब दे दिया। उस बात से मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मैं इलियास के साथ रहना चाहती थी, मगर उस पर अपनी नई बीवी का नशा चढ़ा हुआ था। मैं रात दिन नमाज के बाद इलियास के लिए दुआएँ मांगती। मुझे यकीन था वो औरत कोई अजीब सी मखलूक है, जिसने अपने जादू से इलियास को बिल्कुल अंधा कर दिया। Thank you.
अमीजान, ये आपको क्या हुआ अमीजान? और परवीन किधर है? किसने किया? ये किसने किया अमीजान? अम्मीजान, आप बोलते क्यों नहीं अम्मीजान? कुछ तो बोल अम्मीजान, मैं जानती हूं तुम मुझे मनहूस समझने लगे हो, लेकिन मेरा यकीन करो, तुम्हारी माँ ने खुदकुशी की है। नहीं शैला, मेरी माँ खुदकुशी नहीं कर सकती। क्यों? क्या परवीन की याद आ रही है? उसके घर वालों ने मुझे टकासा जवाब दे दिया। मेरी समझ से बाहर है ये सब क्या हो रहा है। मेरी मां जहाँ मैं इलियास के साथ रहती थी, अब उस महल्ले में हर वक्त मौत नाचती थी। पता नहीं चलता था आज किसकी बारी है। मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि इलियास ने वो घर और उसका सामान बेच दिया। वो आजकल एक मज़ार पर रहता है। आज भी उसके बारे में सोचकर मेरा दिल खून के आंसू होता है।